यार लिखा आ जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो गया जी हो गया। इज लाइव। हाँ हो गया। मैं आचार्य नीरज शिरवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं गुरुदेव अरुण ऋषि जी और जो जाने माने अरुण ऋषि भारत के, स्वर्गीय। अरुण ऋषि स्वर्गीय जी जो भारत के जाने माने उद्योगपति हैं और काफी दिनों से गुरु जी पूरे भारत भ्रमण में वर्कशॉप के थ्रू उसमें स्वास्थ्य ज्ञान दे रहे हैं और जीरो बजट पे आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है वो सिखाते रहे हैं। तो आज इसी चर्चा चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी बातें गुरु जी से पूछेंगे कि हमारा जो देश है वो कैसे महान बन सकता है और बिना खर्चे के महान बन सकता है, जो अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से हमें गुलाम बनाया जाता रहा है हमेशा से ही, बहुत पहले से ही। तो वो सारी जो ज्ञान की बातें हैं वो गुरु जी देते आ रहे हैं, भारत सरकार को भी गुरु जी ने बहुत बार कहा है और हर सरकारी हो चाहे प्राइवेट संस्था हो उन महकमे में जाकर के गुरु जी ने अपनी हेल्थ की वर्कशॉप लगाई है 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, और उसमें लोगों को स्वस्थ कैसे रहा जाए बिना पैसे के, बिना खर्चे के, बिना डॉक्टर के, बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटल के। तो ये सब गुरु जी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम गुरु जी का स्वागत करते हैं। गुरु जी कृपया करके आप दया दृष्टि बनाइए जी। तो आपने जो परिचय दिया है कि अरुण ऋषि स्वर्गीय है, तो स्वर्गीय का जो कंसेप्ट ये है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय है, और जो स्वर्ग में रहता है ओ स्वर्गीय वो स्वर्गीय। स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। जी। ये शेर है इसमें कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, और ना माने तो मर के देख। क्या बात है जी। तो स्वर्ग मतलब होता है चिंता मुक्त जीवन, है ना। आप नर्क अगर देखना हो तो आप अस्पतालों में चले जाओ, ना थानों में चले जाओ, कोर्ट कचहरी में चले जाओ, ऐसी जगह जाने की जरूरत ना पड़े, चिंता मुक्त जीवन रहे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। और ये जो ट्रस्ट है पूरे भारत में 27 बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहा है, जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, हम लोग वहां पे हैं। अभी हरिद्वार हम आए थे हीरो हीरो मोटर हीरो मोटो कप में, आप साथ ही थे हमारे। तो और मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ इंडिया की जितनी भी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, मोस्ट ऑफ द आईएमएस आईआईटीज। तो फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है, वो रियल फैकल्टी होता है। जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं, है ना। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे, अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे। तो जो आपने कहा कि स्वास्थ्य प्रबंधन बगैर दवा के, है ना, तो दवा जो है, दवा को आप उल्टी तरफ से पढ़िए, क्या हुआ वाद, बात हाँ जी दवा का किसी भी प्रकार की दवा लो आगे चल के उसका वाद खड़ा ही होगा, है ना। एक शब्द है मेडिकल, उसको उल्टी तरफ से पढ़ो जी लकड़ी में। अगर आपको लकड़ी में जाना हो तो मेडिकल में जाओ तो लकड़ी में पहुंचा जी देगा। ऐसे अभी क्या चल रहा है सबसे ज्यादा, कोरोना, कोरोना 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 चल रहा है ना, उसको उल्टी तरफ से पढ़ो क्या लिख रहा है, ना रोको, ना रोको है ना। तो उसका उत्तर उसी में छुपा है कि अगर इसको रोकोगे तो बढ़ेगा और इसको रोको मत, जाने दो तो अपने आप चला जाएगा। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति पे, हमारा यूएसपी है क्लैप 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। एक दवा निराली 15 सेकेंड की ताली, ताली ना साला ना साली जीवन भर की खुशहाली 15 सेकेंड की ताली। ताली तो एम्स में हम लोगों ने इसका प्रोग्राम किया था पहले डॉक्टर्स के बीच में, आज से 15-20 साल पहले। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे बोले क्या बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है। 200-250 डॉक्टर थे, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया। अब सारे डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी दारू साहब एक भी नहीं आया, मैंने कहा दिन भर ताली ठोकता रहता है, किसी भी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ ना। आज अपन बिल्कुल कोरोना के, तो ताली क्या करती है बेसिकली, आपकी आज अपन इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, इम्यून 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 बूस्टर बन रहे हैं, इम्यूनोलॉजी नहीं है जमाने भर के, लेकिन बेसिक चीज ये ताली जो है। अच्छा खर्चा कुछ नहीं है,
हिंग लगे ना फिटकड़ी, रंग आए चोखा। तो एक दवा निराली 15 सेकंड की, ताली जो है बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाना पॉइंट दबा लो। और कबीर दास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। करे ना कोई। अगर आप सुख में सिमरन कर लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि इसमें आपको दो काम करने, एक तो 15 सेकंड ताली बजानी है। किसे बजानी? वो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, arunrishi.com पे, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आप ये जानते हैं क्या चीज है? नहीं गुरु जी दिखना। हाँ दिख गया जी, झावा जिससे पैर साफ करते हैं। हाँ, जावा। इसको अपने बाथरूम में रखो और नहाते समय पैर के तलवे को रगड़ रगड़ के साफ करो। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा, है ना? किसी सौंदर्य प्रसाद चेहरा क्यों क्यों दमकेगा? कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता। ये आइडिया आया कैसे? कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। कारण, जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है तो वो बहुत पावरफुल है। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ, कारण वो नंगे पैर चलता है। तो नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। हमारे यहां था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा लो। तो जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, नंगे पैर भी कहीं नहीं जा रहे हैं और ताली भी नहीं बजा रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और बीमारी हम पे हावी हो गई। अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। कारण, जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्या पहनते थे? खड़ाऊ खड़ा पहनते थे, लकड़ी की। हम लोग जूता पहनते हैं, लकड़ी। चप्पल पहनते हैं, तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लो झामे से, है ना? ये झामा न मिले तो सेकेंड ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। आप जानते होंगे इसको, है एक्यूप्रेशर ना? की प्लेट है। एक्यूप्रेशर की प्लेट है। इसको हम लोग तीन या चार प्लेटें एक फैमिली के लिए रिकमेंड करते हैं। दो प्लेटें आपकी बेडरूम में हो, एक पत्नी की तरफ एक पति की तरफ। खैर, अभी आपको समस्या नहीं, आप आके एक भी रख सकते हो। तो सुबह जैसे ही उतरे इस प्लेट के ऊपर उतरो, दूसरी प्लेट रखो, दो प्लेट हो गए, तीसरी प्लेट हो गई ड्रेसिंग रूम में नहाने के बाद, जब हम कपड़े चेंज करते हो। इस प्लेट पर खड़े रह के आप दाढ़ी बनाइएगा, उससे बढ़िया शेव आप कभी जिंदगी में नहीं बना पाए होंगे। और चौथी प्लेट अपन जहां वर्क करते हैं उसके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज ये है कि दिन में 300 400 500 बार इस प्लेट पर आपका चलना हो जाए, तो पैर के पॉइंट यहां एक्टिवेट हो गए। और कर्म ही पूजा है, तो हमारा जो कर्म स्थल है वो हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड में यानी है, देन वॉच योर मेडिकल बिल, है ना? अच्छा, अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली, पैर के तलवे भी रगड़ लिए। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? जी नहीं, किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहां देखा? जी क्या नहीं, जानवर चाय कॉफी पीता है? किस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो हमें चाय कॉफी की क्यों आवश्यकता है? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक, थम्सअप, लिमका, कोका कोला, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है, तो हमें क्यों आवश्यकता है? तो ये हमारी आवश्यकता नहीं है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की आवश्यकता है। जैसे आज आप कहते हो ना कि हम वापिस से गुलाम होते जा रहे हैं, तो हमारा एक स्लोगन है, प्राइम मिनिस्टर को हमने एक लेटर लिखा था कि भारत एक गरीब नहीं, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इट इज वेरी पुअरली मैनेज्ड, है ना? हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमें पहले, हम लोग आज से 1947 के पहले
एक ही कंपनी के गुलाम थे। कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज हम कई कंपनियों के बेदाम के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही हमें आदेश मिलता है कि भारत के गुलमटो, टूथब्रश टूथपेस्ट करो और दांतों को सड़ा डालो, चाय कॉफी पियो अपने पाचन तंत्र का नाश कर डालो, फिर शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू लगाओ अपनी दाढ़ी त्वचा एवं बालों का सत्यानाश कर डालो, फिर आदेश आता है कि पान गुटखे खाओ शराब पियो धूम्रपान करो और ईश्वर की हवा को बिगाड़ो, और ईश्वर भी जब आपकी हवा बिगाड़ दे तो हमारी महंगी दवाएं खाओ और मर जाओ। और सुबह से शाम तक हमारे कोड़ियों के दाम का माल सोने के भाव खरीदो, अपने घर को समाज को देश को बर्बाद कर डालो और एक अच्छे गुलाम की तरह हम सब करते चले जा रहे हैं। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज्ड है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 40 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्सअप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान गुटखा दारू सिगरेट कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 40 साल में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 67 साल की है, 67 कंप्लीट हो गया, 68 वा लग रहा है, और 100 साल तक अभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन मैंने आपको बताए ये सारे अप्राकृतिक साधन है। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना, बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना, उसकी क्लास होती है 2 से 2.5 घंटे की जी। और उसका वो निशुल्क नहीं होती, वो सशुल्क होती है। उसमें एक पार्टिसिपेंट से 100 रुपए लेना है। तो आप कितने लोग इकट्ठे कर दो? 500 लोग इकट्ठे कर दो, 1000 कर दो, 100 कर दो, तो मिनिमम 110 लोग चाहिए। तो हमारा क्या होता है कि हमारी फीस है, पिछले 21 सालों से हमारी फीस ही है कि 11,151 रुपए है ना। 100 लोग है तो 110 रुपए पर हेड, 1000 लोग है तो 11 रुपया पर हेड, 2000 लोग है तो 5 रुपया पर हेड। कारण क्या है, जो फ्री की चीजें वो काम नहीं करती है ना। हम लोगों ने 5 चीजें ईश्वर ने हमको फ्री दी है। क्या क्या दिए? पंचतत्व, जल वायु अग्नि आकाश और मिट्टी, जिससे आप इलाज करते हो। 5 तत्व फ्री है, लेकिन 5 तत्वों की सबके हम लोगों ने सत्यानाश कर दिया। अब जब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूमने लगेंगे तब उनको पेड़ों की महत्ता मालूम पड़ेगी। तो आप अपने इससे रिक्वेस्ट करके लोगों को इकट्ठा करें कि भैया अपन इसका ऋषि जी का 2 घंटे की क्लास अपन करेंगे, लेकिन कम से कम 110 लोग 200 लोग ज्वाइन हो जाए तो इस क्लास को किया जा सकता है। क्या राय है? तो आपने बहुत बहुत अच्छा आपने बताया, और जितने भी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे इस रिकॉर्डिंग को, तो वैसे अभी कितने लोग ज्वाइन हैं इसमें? अभी तो मात्र 4 लोग हैं, और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं ये 4 लोग 400 लोगों को बताएंगे। क्या बात है। तो और गुरुदेव का इस तरह से प्रोग्राम ज्वाइन करें, हम एक डेट फिक्स कर लेंगे, जो दिनांक रहेगी उस पर टाइमिंग बता देंगे, लेकिन अभी कम से कम कुछ गैप रख लेते हैं जिससे कि लोग ऐड, और बीच बीच में ऐड भी कर देंगे जिससे कि हम लोगों को एक इकट्ठा कर सके लोगों को। और जैसे आपने अब जैसे अब ये बात ये आपका जो ये आपका एडवर्टाइजमेंट मटेरियल हो गया कि भैया ये वाली चीज है, और ज्ञान जिसको चाहिए 100 गुरु दक्षिणा 101 रुपया चाहिए। बिल्कुल जी, मतलब तो 101 रुपए की सुपात्र होके आना चाहिए किसी भी शिष्य को। सुपात्र को, हाँ, कुपात्र को ज्ञान दे भी दो तो कोई फायदा नहीं है, फ्री की चीजें काम भी नहीं करती है ना। हाँ जी, हमारे एक अंकल थे, वो बेचारे रिटायर हो गए, डॉक्टर थे बहुत बढ़िया, तो उनका यार अपने को पास पैसा भी बहुत है ना, और अब अपने को बगैर फीस के लोगों की सेवा करना, तो दिन भर मक्खी मारते बैठे रहते थे। अच्छा, लोग क्या करते थे कि इनसे दवाई लिखवा के जाते थे, 100 रुपए दूसरे डॉक्टर को देते थे,
वो कहते थे भाई साहब इन्होंने दवाई ली कि इसमें कुछ दम है या नहीं है। तब उन्होंने 5 रुपया 10 रुपया शुल्क रखा, तब जी जाके फिर उनका दुकान चालू हुई। तो ये है, तो ये वाली चीजों को। अच्छा आज क्या है कि अच्छा इंडिया में समस्या क्या है कि आदमी को जहां पैसा खर्चा नहीं करना वहां 2 लाखों रुपया खर्चा कर देगा, है ना, और जहां खर्चा बिल्कुल करना चाहिए वहां पे कंजूसी करेगा। अभी आप लोगों को बोलोगे भैया 100 रुपये लगेंगे ऋषि जी को सुनने के, तो कहेगा 100 रुपये खाली सुनने के, कौन देगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर ऋषि जी को सुनने के बाद मैंने 1 महीने चाय नहीं पी, 1 20 रुपए रोज की चाय पी जाता तो 600 रुपए की तो चाय पी जाता है, साबुन शैम्पू लगाता है तो ये रोज इसमें कम से कम 100 200 रुपए 500 रुपए खर्च कर देता है, तो इसमें से कुछ ही बचत कर लेगा तो 100 रुपए तो यूं ही निकल जाएंगे। तो बिल्कुल। और ये ज्ञान आप जो है ये आपकी राय आगे क्या है। मेरी हाँ, और लोगों राय को फायदा बिल्कुल देगा और ना, लोगों को तो फायदा इससे देगा कम से कम क्या है, एक तो लोगों का गैदरिंग अच्छा हो, मेरा। है ना, ज्यादा गैदरिंग होगा तो फीस कम हो जाएगी। हाँ वो मैं समझ गया कंसेप्ट गुरु जी आपका। और ये जो है ये तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम भी देखते हैं कि क्योंकि हमारा क्या है, हम भी जैसे सपोज कोई पेशेंट कहता है कि ये तो बड़ी महंगा है, लेकिन महंगा कहाँ, सस्ता है, क्योंकि हम लोगों हाँ, को एक बहुत पारी में सस्ता। डॉक्टर बनाते हैं ना, उसके बाद तो हम हाँ लोगों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि तो बड़ा महंगा है, जबकि बहुत वहां पे महंगा है, जीवन भर दवाई, वहां पर जीवन भर डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां जीवन भर हॉस्पिटल में जाते हैं, वो उनको सस्ता लगता है, जबकि वहां पे दुर्गति भी होती है। ये जो कलयुग है ना, ये जी कलयुग में ऐसे ही होना है। तो इसीलिए हम लोगों ने वो शुरू किया कि भैया ये बताएंगे तो सही लोगों को, लेकिन 100 रुपए चाहिए, 101 रुपए गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु को गुरु दक्षिणा मिलेगी तो काम होगा, हाँ नहीं ये और बिल्कुल जायज है बोलिए। गुरु जी, नहीं चाहिए। तो अभी हम किसी दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये बुक है, ये मेरे पास है आपकी हाँ बुक, ठीक याद है, है जब कैसे बने मेरा भारत महान, तो तो जैसे इसके अभी अंदर कल ये जो भारत महान है कैसे बनेगा, तो इसमें किताब के अंदर सबसे पहले एक खुला पत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमने क्या करते थे कि हमारी यहाँ सभाएं होती थी, उन सभाओं में पत्र बांट देते थे कि भैया इसको बेरंग भेज दो, कहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय। अच्छा बेरंग चिट्ठी पहुंचती पहुंचती है, आप पैसे देके चिट्ठी भेजो तो शायद नहीं पहुंचे, लेकिन बेरंग चिट्ठी जरूर पहुंचेगी। तो उस पत्र में एक खुला पत्र था प्रधानमंत्री जी के नाम कि आज आप भारत के किसी भी बड़े मेट्रो में बड़े शहर में चले जाओ, आपको 4 चीजें कॉमन मिलेगी, कि हमारी टेक्सटाइल मिले बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, लेकिन दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटके सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, तो इज इट ए गुड साइन और इज इट ए बैड साइन। नहीं बहुत खराब है, ये तो तो दुर्गति है बहुत जी। खराब है ना, दुर्गति है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक बोध कथा थी कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे करोड़पति, किसी एक बार कहीं गांव में, गांव के पास से जा रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, कार में आग लग गई, ड्राइवर का हेड ऑन कोलिजन हुआ तो वहीं के वहीं डेथ हो गई और सेठ जी बेहोश हो गए। अब कार में आग लगी देख के गांव के लोग आ गए वहां पे, उन्होंने उस पर मिट्टी विट्टी डाली, पर वो डाला और वो सेठ जी को उसमें से खींच लिया, सेठ जी बेहोश थे, सेठ जी को खटिया पे डाल के अपने गांव में ले गए, और गांव में ले जाके उनकी जो भी उनके हिसाब से सेवा शुश्रूषा करनी थी, 15 20 21 दिन में सेठ जी भले चिंगे हो गए। अब सेठ जी का, यार मैं तो मर ही चुका था, अगर ये गांव वाले नहीं होते तो मैं, मेरी तो मेरे अरबों खरबों रुपए पड़े हैं मेरे पास, किसी काम के नहीं। तो उन्होंने गांव वालों की मीटिंग बुलाई कि भैया आपने मेरी बहुत सेवा करी, मेरे को पुनर्जन्म दिया, पुनर्जीवन प्रदान किया, तो मेरी इच्छा ये है कि इस पैसे से मैं गांव में कुछ ऐसा काम करूं कि आप सब लोगों का भला हो जाए। अच्छा, गांव में बड़ी भुखमरी फैली हुई, कोई काम धंधा नहीं है, कोई कुछ नहीं, खेती बाड़ी बराबर से नहीं। तो बोले साहब इतनी अकल हम में होती तो हम भूखे क्यों मरते, बाप तो इतने, आप पे सरस्वती भी प्रसन्न है, लक्ष्मी भी प्रसन्न है, अबे आप ही सोचो हम क्या कर सकते हैं। तो सेठ जी ने एक राय दी कि चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल खोल देता हूँ जिसमें मेरे को 4 से 5 हजार वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, तो चार डायरेक्ट वे में तो 4 हजार लोगों को काम मिल जाएगा, पर इनडायरेक्ट वे में 40 50 हजार लोगों को काम मिलेगा, कारण फिर यहाँ पे लोग ट्रांसपोर्ट चलेगा, ये होगा, दुकानें चलेंगी। तो सेठ जी के लोग, गांव वाले पेड़ पड़ गए कि भगवान आ गए साहब हमारे गांव में। तो सेठ जी ने कहा भैया ये तो ठीक है, अपन मिल विल तो लगा लेंगे, या मेरे यहाँ पे आप ये बताओ कि 8 घंटे काम करने के पैसे कितने लोगे,
अरे बोले सेठ जी, मिल आपकी है क्या? मिल हमारी है, 8 घंटे की बात करो, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करेंगे, है ना? और आप, अरे बोले भैया ऐसा नहीं होता है, अपने को कोई मिल 2 4 दिन तो चला नहीं, ये तो बरसों चलेगी, तो परिवार को भी समय देना है, तो अपन तो 8 घंटे की बात कर ले। अरे बोले साहब जो आपकी इच्छा हो दे देना। अरे बोले भैया अपन जब प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं तो कुली भी यही बोलता है, लेकिन जब सामान उतारता कर लाओ सब 200 रुपए, कोई आगे विवाद ना हो तो अपन पहले तय कर लें, हर चीज तय करके करना अच्छा होता है। तो सेठ जी बोले साहब आप तो ऐसा करो कि यहाँ से 100 200 माइल पे, किलोमीटर पे दूसरी एक मिल है, वहां पता कर लो कितना पैसा देते हैं वर्कर्स को। तो मैं ठीक है, और उससे 10 रुपए कम दे देना। नहीं नहीं बोले जितना वहां मिल रहा है इतना आपको मिलेगा। तो अनस्किल्ड वालों को 200 रुपए मिल जाएंगे, जो स्किल्ड वाले उनको 300 400 मिल जाएंगे, और जो अच्छे 500 काम जा सीखते जाएंगे उनके पैसे बढ़ते जाएंगे। बोले साहब ठीक है, जो आपकी इच्छा हो दे दो, हम तो काम चालू करते हैं। मिल का काम चालू हो गया, चालू हुआ और मिल का प्रोडक्शन चालू हो गया, ये सब बढ़िया चल रहा था सबका। तो सब क्या हुआ, एक दिन एक नेताजी पधारे वहां, उन नेताजी ने सारे वर्कर्स की मीटिंग कॉल करी कि बोले सेठ जी तुमसे 8 घंटे कड़क मेहनत करवाता है, 200 300 400 रुपट्टी पकड़ा देता है ना, तुम लोग घर से पैदल आते हो, और बंगले वो सेठ जी का देखो मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, कितना बढ़िया बंगला बना लिया, ऐश कर रहे हैं, तो तुम्हारा शोषण हो रहा है, तो यूनियन बनाओ और 10 10 रुपए चंदा लाओ। अब 4 हजार वर्कर से 40 हजार रुपए मिल गए, एक और यूनियन का निर्माण हो गया। अब सेठ जी को एक मांग पत्र भिजवाया गया कि साहब हमारे जो वर्कर्स हैं घर से फैक्ट्री आते हैं तो पैदल आते हैं, तो उसमें थक जाते हैं, ठीक है नहीं, वो तो इनके लिए बसों का इंतजाम किया जाए। सेठ जी ने सोचा जायज मांगे, अगर आदमी आने आने में थक जाएगा तो यहाँ अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में बढ़ेगी। तो साहब उन्होंने बसें खरीद ली, बसें चलने लग गई, और नेताजी की धाक जम गई कि देखो बेटा मैं नहीं था तो तुम पैदल आते थे, साइकिल पे आते थे, अब देखो तुम्हारे लिए बसें चलवा दी। वो साहब ये काम वो काम, अच्छा सेठ जी को भी ब्लैकमेल करे तो वो भी उनको चंदा पानी देते रहे, सुविधाएं देते रहे। एक बार क्या हुआ कि मिल के पास अरबों खरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, और नेताजी को खबर लगी कि यार इतना अच्छा, इनको ये मालूम था कि सेठ जी को थोड़ी हड़ताल वड़ताल की धमकी दो तो सारी जायज नाजायज मांगे सब मंजूर हो जाती हैं। तो उन्होंने एक मांग पत्र भिजवाया कि साहब हर वर्कर के 100 100 रुपए रोज बढ़ना चाहिए। अब सेठ जी ने रोजाना पर्दा सौ बिठाएगा, एक दिन के सौ सौ रुपए सौ रोज, हाँ कारण अगर अपने प्रोडक्शन पूरा करना है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और ये करना पड़ेगा, तो 100 रुपए हमारे को काम तो उतना ही रहेगा 8 घंटे का, लेकिन हमारे अगर 100 रुपए बढ़ते हैं तो हम ये काम करेंगे, और नहीं तो कल से मिल बंद। अब सेठ जी ने, अच्छा वो ऑर्डर बहुत बड़ा था तो बहुत कम भाव पे उन्होंने ले लिया कि चलो अपने मिल को काम मिलता रहे। तो सेठ जी ने पड़ता बिठाया कि 4 हजार वर्कर, 100 रुपया रोज, तो 4 लाख रुपए महीना, जो भी हो चार गया साल भर, आप इस हिसाब से तो पढ़ते ही नहीं बैठ रहा, मिल घाटे में चली जाएगी। खूब वर्कर को समझाया, बोले नहीं नहीं साहब वो तो जो हमारे नेताजी ने कह दिया 100 रुपए रोज बढ़ना है तो बढ़ा दो। अब उनके एक सलाहकार थे आप जैसे, आप आजकल बहुत ज्यादा लोगों को सलाह दे रहे हो, तो उन्होंने सेठ जी को एक राय दी कि साहब एक काम करो कि आज वर्कर्स की एक मीटिंग कॉल करो और मैं चिट्ठी आपको लिख के देता हूँ, चिट्ठी आंख मीच के पढ़ देना और अपनी अकल मत लगाना, नहीं तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा। सेठ जी ने कहा तू ऐसा क्या लिखवा रहा है? बोले साहब मैं जो बोल रहा हूँ बस, आपको अगर मेरे पे भरोसा हो तो आप ये काम करो। अब साहब सेठ जी ने वो चिट्ठी वहां दी उनको, वर्कर लोग इकट्ठे हो गए। वो चिट्ठी में ये लिखा गया था कि आप लोगों की मांगे बिल्कुल नाजायज हैं, आपके 100 रुपए ने 200 रुपए रोज बढ़ना चाहिए। अब अच्छा सेठ जी का दिमाग ठनका के, और बोले साले क्या मेरे से लिप बुलवा दिया तूने, 100 रुपए में घाटा हो रहा है तो 200 रुपए की बात करवा दी तूने। बोले अब आप सेठ जी पधारो, आप आपको अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अब मेरा काम चालू होगा। अब साहब उन्होंने वर्कर्स को खूब बधाई दी है ना, और बधाई दे के छक्के सबको दारू पिलाई कि आज तो भैया 200 रुपए, 6 हजार रुपये महीना बढ़ गया, खूब ऐश करो। और उसी कैंपस में दारू की दुकान का उद्घाटन कर दिया। जी अब क्या हुआ कि साहब वहीं पे दारू की दुकान, सिगरेट की दुकान, पान गुटखी की दुकान, सारी दुकानें वहां चल निकली। थोड़े दिनों बाद ये सभी व्यस्तों की आदत लग गई तो इफिशियंसी डाउन हुई, बीमार पड़ने लगे, अस्पताल भी खुलवा दिया, और अल्टीमेटली जाके मिल बंद हो गई। अब सेठ जी बड़े खुश थे,
कि जब मिल चलती थी तो बस लेने जाती थी, छोड़ने आती थी। आज संडे की छुट्टी, आज होली, आज दिवाली, आज ईद, आज फलाना, जमाने भर की छुट्टियां है कि नहीं, कभी बीमार पड़ गए। पर ये दारू की दुकान पे आने के लिए कोई छुट्टी नहीं, नगद धंधा है कि नहीं, कोई बस बक्का बस भी भी वो नहीं नहीं चल था। रही है ना। ये सारी सारे जितने भी ये दुकानें थी सब सेठ जी की थी। तो जितना घाटा उनको सेठ जी को मिल में हुआ, ये वर्कर्स ने बीवी बच्चों के जेवर घर बार बेच के सेठ जी का घाटा पूरा करा दिया। अब सेठ जी के पैसे का अंबार लग गया। लेकिन पैसा तो बहुत आया, लेकिन सेठ जी के घर में अशांति अशांति रहने लगी। उनकी बीवी कैंसर में मर गई, बच्चे रंडीबाज हो गए, दारू जुआ खेलने लगे और खूब परेशानी परेशानी। सेठ जी के, अच्छा सेठ जी बड़े दानी महात्मा, खूब लोगों को धन का दान करना, मंदिरों का निर्माण करवाना, सत्संग करवाना, प्रवचन करवाना। लेकिन उसके बाद भी भैया कहीं कहीं इसकी रेमेडी निकल नहीं रही थी। एक बार क्या हुआ कि एक सिद्ध पुरुष का उनके गांव में आना हुआ। किसी ने सेठ जी को खबर की, साहब एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष जो हैं अपने गांव में पधारे हुए हैं, तो आप जाके मिल के आओ। अब जब सेठ जी मिलने गए तो फलों का टोकरा, एक 10,000 रुपए की गड्डी ऊपर रख के उन्होंने पेश कर दी कि साहब ये मैं यहाँ का नगर सेठ हूं और ये तुच्छ सी दक्षिणा मेरी आपके लिए है। अब सेठ जी ने जैसे ही वो नोट की गड्डी, वो सिद्ध पुरुष ने नोट की गड्डी और फलों का टोकरा देखा, एक लात मारी। बोले कौन बेवकूफ लेके आया है? बोले बोले महाराज अगर कम होते 51,000 रख देता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोले अगर तूने ये धन मेरे को दे दिया तो तू नरक में चला जाएगा। बोले साहब मैं नरक में कैसे चला जाऊंगा, मैंने तो दान किया। बोले नहीं, हमारे यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है संस्कृत में कि यदि आपको नरक में नहीं जाना है तो तीन कर्म कभी मत करना। तो श्लोक यह है कि परिव्राजकम धनम दत्वा, किसी भी घुमक्कड़ साधु को धन मत देना। तांबूलम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी को पान मत खिलाना, कारण पान खाने से सेक्स की भावना बढ़ती है तो उसका ब्रह्मचर्य डोल जाएगा। तो तांबूलम ब्रह्मचारिणी, चोरात अभयम दत्वा, चोरों को अभयदान मत देना कि तुम चोरी करो, मैं बैठा हूं तुम्हारे को बचा लूंगा। तो दाता तू नरकम ब्रजेत, ये से सारे दाता नरक में जाएंगे। तो मैं परिव्राजक हूं, मैं घूमकर साधु हूं, अगर तूने धन मेरे को दे दिया तो तू नरक में चला जाएगा। और बोले महाराज आज तक तो ये ज्ञान किसी ने हमको दिया नहीं। बोले वो इसीलिए वो सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए तेरी रेमेडी नहीं हो पा रही। तो सेठ जी ने उनको सारी अपनी घटना बताई कि साहब ये सारे साहब मेरे मिल है और यूं है, और मेरे मिल तो बंद हो गई लेकिन ये दारू की दुकानें सब चल रही हैं और घर में अशांति अशांति, इसका कारण क्या? उन्होंने कहा देख बेटा, हर आदमी चाहता है कि लक्ष्मी मेरे घर में आए, है ना, हर आदमी की कामना होती है। लेकिन उसके साथ उसकी कामना होती है कि उसका पति उसके साथ नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु विष्णु, है ना। तो ईश्वर के यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। तो जनरेशन जीओडी हो गया, तो जनरेशन जो है वो ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन शिव जी देख रहे हैं। तो विष्णु क्या है? कर्म, ऑपरेशन का इंचार्ज है। तो हर आदमी बगैर विष्णु के लक्ष्मी चाहता है, उसको चंचला बोला गया है हमारे यहाँ, है ना। तो ये जो लक्ष्मी जहां जाएगी वहां बर्बादी फिर आएगी, और जहां पहुंचेगी वहां बर्बाद करेगी। तो देखो सेठ जी, तुम्हारे वर्कर के 10-5 रुपए बढ़ने थे, तुमने 200 रुपए बढ़ा दिए। अब वो अकर्म की लक्ष्मी उसके घर में गई, तो वो उसको व्यसनों की आदत लग गई दारू पीने की। अच्छा, उससे वो पैसा तेरे घर में आया तो वो बर्बाद हुए, उनका परिवार बर्बाद हो गया। वो पैसा उस पर, अच्छा एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, वो पैसा सरकार के पास गया तो सरकार बर्बाद हो गई। अच्छा, उसी पैसे से तनख्वाह बांटी, तो वो जो उनके मंत्री थे, संतरी थे, वर्कर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो सब भ्रष्ट होते चले गए। कानू अकर्म की लक्ष्मी सब जगह रोटेट हो रही थी, वो तेरे घर में आई, तेरे घर को बर्बाद कर दिया। तो ये जहां जाएगी वहां बर्बादी फैलाएगी और जहां पहुंचेगी वहां बर्बाद कर देगी। तो ये काम हुआ। तो बोले महाराज जी ये सब तो हो गया। और बोले सेठ जी, तुम्हारी ये जिंदगी तो बिगड़ी बिगड़ी, तुम्हारा तुम्हारे सब लोगों का अगला जन्म भी बर्बाद हो गया। और बोले महाराज मेरा क्या होगा? बोले तेरा जो राजा है उसको अगले जन्म में सुअर बन के आना पड़ेगा।
वो लोग उसको क्या करेंगे, तपा तपा के उसकी चर्बी निकाल लेंगे और गाय के घी में मिला के बेच देंगे। जो तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उनको गाय बन के आना पड़ेगा, है ना, कारण इन्होंने जनता को खूब दुहा, तब जनता इनको दुहेगी और कटने के लिए भेज देगी। फिर जो तुम्हारे ये हैं क्या, उर्स से नीचे वाले लोग, उनको बकरा, ये धर्म गुरु हैं, नेता हैं, इनको बकरा बन के आना पड़ेगा, जिनको लोग हलाल करेंगे और कटने के लिए भेज देंगे, है कि नहीं। तो महाराज ने कहा, साहब मेरे राजा को अगले जन्म में सुअर बन के आना पड़ेगा। हाँ बोले भैया, आना पड़ेगा। वो तो ये कारण वो अकर्म की। उनने महाराज ने कहा, साहब एक काम करो, अगर आप आज्ञा दें तो मैं आधे 1 घंटे में आता हूँ आपके पास वापिस से। वो भागा भागा राजा के पास गया। बोले, साहब एक सिद्ध पुरुष आया हुआ है और वो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहा है। उन्हें पूरी स्टोरी सुना दी और बोले, बिल्कुल सत्य वचन, ये बातें जो बताइए एक एक चीज सही हो रही। मेरे सारे मंत्री, नौकर शाह, तनख्वाह, बंगला, गाड़ी सब ले रहे हैं, मेरा शोषण अलग कर रहे हैं, जनता का शोषण अलग कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है। और ये तो महाराज जी कहाँ बैठे हैं? तो सब महाराज जी तो वहां जंगल में बैठे हुए हैं। बोले, चलो। राजा और वो सेठ जी वहां पहुंच गए, कहाँ पे, सिद्ध पुरुष के पास। और उसको उन्होंने कहा कि भैया, ये तो सब सारी चीजें हो रही है, अब इसका रास्ता क्या? तो वो रास्ता उन्होंने कहा, सब वो रास्ता उनको बताया राजा को। और कुछ ही दिनों में वो जो राष्ट्र था, सोने की चिड़िया में परिवर्तित हो गया और हर हर चीज उनकी अच्छी होने लगी। तो फिर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये लिखा था कि साहब, वो जो प्रोसेस बता गया था सिद्ध पुरुष, वो प्रोसेस हमको भी मालूम है, लेकिन आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें समय चाहिए। अब 2.5-3 घंटे का समय अगर आप हमको दे देंगे तो हम आपको इसकी तरकीब बता देंगे। अब क्या हुआ कि वहां पे साहब किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में वो लेटर पढ़ा होगा, एक सिंह साहब करके उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, तो उनका एक पत्र आया हमारे पास कि भैया फलाने फलाने दिन आपको 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वहां पे समय दिया जाता है। तो हमने उसका जवाब लिख दिया कि साहब मैं 5 साल तक तो मैं व्यस्त हूँ, मेरे 4 साल 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आप मेरे से संपर्क करिएगा। वो सिंह साहब का फोन आया मेरे पास कि बोले, भैया तुम बहुत होशियार बन रहे हो, प्रधानमंत्री कार्यालय से तुमको समय दिया जा रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं 5 साल के बाद आऊंगा। तुम्हारे पास है वे कुछ नहीं, तुम जनता को बेवकूफ बना रहे हो और 100-100 रुपया ले रहे हो। अरे मैं कह, महाराज जी आप नाराज मत हो, मैंने जो आपको लेटर लिखा था वो आपने ध्यान से पढ़ा? बोला, हाँ बहुत ध्यान से पढ़ा। बोले, नहीं पढ़ा। मेरे को ये बताओ कि जब वो सेठ जी राजा के पास गए तो राजा ने क्या करा? और वो बोले, साहब भगे भगे जंगल में गए। तो मैंने कहा, साहब आप मेरे को सम्मन भिजवा रहे हो कि फलाने फलाने दिन दिल्ली वाले वहां पे आ जाना ऑफिस में और वहां बताना, तो जिस दिन अटल जी को 2 घंटे का समय हो आप उज्जैन लेके आ जाना, वो तरकीब नहीं बता पाऊं तो मेरे को गोली मार देना, है ना। तो खूब हंसे, बोले, हाँ यार ऋषि जी बात तो सत्य है, ज्ञान लेने तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसी पे फिर हम लोगों ने, जो आपने किताब बताई फिर से बता दो एक बार, कैसे ये बने मेरा मेरा बने भारत, मेरा भारत महान। जी कैसे बने मेरा भारत महान, है ना। तो जी इसमें सबसे पहले आप इसके नीचे की अगर टैगलाइन पढ़ो कि आओ भारत को कर्ज मुक्त बनाए, हाँ जी है ना, बना हुए ना। तो चक्कर क्या है कि आज आप जो जो मिशन लेके चल रहे हो ना कि ये साहब ये मल्टीनेशनल कंपनी हमारे को वैक्सीन बेचेगी, मास्क बेच रही है, और सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार कर्जे से डूबी हुई है, IMF का और इनका, वर्ल्ड बैंक का, इतना कर्जा हमारे पास कि हमारे पास ब्याज देने के लिए भी पैसा नहीं है। तो जब आप कर्जा लेने जाते हो तो वो अपनी शर्तें रखते हैं, बेगर इज नो चॉइस। तो वो शर्तों में ये भी है कि भैया हम जो आपको गाइडलाइन देंगे उस गाइडलाइन पे आपको काम करना है। तो सरकार की भी मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी कुछ नहीं है, हमारी मजबूरी ये है कि भैया अच्छी चीजें सीखें और लोगों को सिखाएं। तो ये वाली सारी चीजें हैं। तो भारत को कर्ज मुक्त, तो जब तक कर्ज मुक्त तो नहीं हो गए, तो पुनर्जन्म की थ्योरी है कि आप भारत के हर आदमी पे आज की तारीख में 60 से 70 हजार रुपए का कर्जा है, और हमारे एक मोक्ष की कल्पना है कि जब हम मरे तो हम पे किसी का कर्जा बाकी नहीं होना चाहिए। तो आपको मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती, अगले जन्म में फिर गाय बैल बकरी बन के आना पड़ेगा और कट के एक्सपोर्ट होना पड़ेगा।
या इनकी वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी, तब इनके पे कर्जा हाँ चुकाना है, तो वो तो अपने कर्जा वसूल करने के लिए अलग अलग प्रोसेस निकालेंगे कि नहीं। भाई देखो, आपने किसी को कर्जा दिया तो आप वसूल करोगे नहीं करोगे, तो ये मल्टीनेशनल कंपनी हमसे वसूल करेगी, तो उसके लिए हमें कर्ज मुक्त होना जरूरी है। तो उसकी सारी प्रोसेस वो हम लोग उसमें किताब में लिखी हुई है, और अपन ये जब बताएंगे सारी चीजें, जैसे आज हम लोग 800 हजार 1200 करोड़ की 1500 करोड़ की चाय पी जाते हैं पूरे भारत में, है ना। सड़कें क्या करते बनाने हैं के लिए आप? पैसे नहीं है, पर डे, पर डे की अपन बात करो तो आज अपन 135-140 करोड़ की आबादी मान लो, और 10 रुपये मान लो एक आदमी 10 रुपये तो से ज्यादा की चाय पीता है, लेकिन अपन 10 से 1400 करोड़ हो गए, है ना। तो 1400 करोड़ रुपए चाय पीने के लिए है, सड़कें बनाने के लिए नहीं है, पावर प्लांट बनाने के लिए नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। तो बगैर खर्चे के, बगैर कम पैसे में, तो पूरा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कार्यक्रम है ये 2 से सवा 2 घंटे का। तो अपन इसको एक आध दिन प्लान करेंगे, जो लोग वो थोड़ी बहुत जानकारी चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है arunrishi.com। अच्छा, कोई टीवी चैनल वाला है, हम लोगों का प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करता, वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, कारण आप ये जो 10 प्रोडक्ट बता रहे हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, देखिए वो जो किताब मैंने आपको दी है ना, उस किताब का पीछे वाले पन्ने की वो निकालो, बैक पेज ये जिसमें 10 सर रावण बने बने हुए हुए हैं, हैं, रावण। रावण के 10 सिर बने, दिखाओ सबको, है ना। हाँ तो बुराइयां जो है 10 बुराइयां हैं, पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, तो ये रावण के 10 सिर काटना है हमको। तो इस जी, कलयुग के राम वही होंगे जो ये 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। तो कैसे खत्म करना, उसके लिए वो 2 ढाई घंटे की क्लास है, तो उसको हमारे नीरज जी के साथ संपर्क करें और इस कार्यक्रम को करने की कोशिश करें। देखो ये तो और बहुत कुछ आप अच्छी, पूछना चाहें तो हाँ पूछिए। ये ज्ञान आपने बहुत अच्छा दिया गुरुदेव, और सुपात्र और गुरु का ज्ञान लेने के लिए तो हकदार बनना पड़ता है, और गुरु या दक्षिणा देनी जरूरी है, गुरु दक्षिणा तो भी देनी सबसे पहले जरूरी तो नीरज जी 100 रुपये मेरा है गूगल पे पे ट्रांसफर कर देना आप ही, है। मैंने अभी गुरु जी, अभी तक मैं तो आपने, मैं तो पूरे समर्पित हूँ बिल्कुल आपके लिए। पैसे को तो मैं तन मन से लगा हुआ हूँ, धंधे धंधे माफ करो नहीं, तन मन धन क्यों। समर्पित है गुरुओं के साथ सब सब आप ही का है, ठीक है ठीक है, आनंद है। और बोलिए, तो अरुण arunrishi.com ये वेबसाइट है की ना, वेबसाइट, जो भी अरुण दर्शक ऋषि, देख। या गूगल पे जाके आप अरुण ऋषि कर लेंगे तो ढेर सारे अरुण ऋषि स्वर्गीय के नाम से आपके सामने लोग आ जाएंगे, है ना। मैं ऐसा करूंगा गुरु जी, ये जो फेसबुक पे चल रहा है तो इसके नीचे वेबसाइट का नाम दे दूंगा, और जिसको यूट्यूब पे भी डालेंगे तो वहां पर भी वेबसाइट का नाम दे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हो, और मेरा मोबाइल नंबर भी डाल देना, जो लोग बिल्कुल डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क करना चाहें तो 9425332266 ये नंबर भी डाल देना, बिल्कुल गुरु है जी। कि नहीं। तो और दूसरा ज्यादा से सवाल ज्यादा पूछ ले, अभी दूसरा हाँ सवाल पूछो पूछ पूछो लेते पूछिए हैं, जैसे कि पूछिए। सपोज ये जो अभी चल रहा है, और ये पहले ही चलता रहा है, हालांकि आपने सब जवाब दे ही दिए कि नहीं, ये जो गुलाम इस तरह से बनते हैं और फिर बाद में ये कर्ज ले लेती है हाँ हमारी सरकार, इस वजह से शर्तें माननी पड़ती हैं, तो बिल्कुल ऐसा इसलिए बिल्कुल होता है। तो अभी भी हाँ, वही हाल है, क्योंकि इन्होंने जैसे इतने अपन अभी करोड़ बात रुपए। कर रहे हैं किसकी, एफडीआई की, एफडीआई के बारे में सुना होगा ना आपने। बताइए एफडीआई आप। होता है फॉरेन डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे को देश में बाहर से विदेशों से इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है उसको। तो उसका मूल उद्देश्य यह है कि विदेशियों का पैसा हमारे यहाँ है, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ये जो कंपनियां हैं बाहर वाली है, ये थोड़ा सा पैसा लेके इंडिया आती है, 2-4-5 लाख करोड़ रुपया, 2-4-5 लाख रुपया, फिर यहां क्या करती है, अपने बैंकों से लोन लेती है, हमारी बैंकों से पब्लिक इशू लाती है और सप्लायर का क्रेडिट लेती है कि भैया तू माल दे रहा है तेरे को 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा, तो कंपनी का तो कुछ भी नहीं लगा, कंपनी जो लाख 2 लाख रुपए लेके आई थी, 10 लाख 50 लाख, उस पे उन्होंने यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। शेयर अब क्या हो गया, कंपनी चल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं चली तो बैंक रोए, सप्लायर रोए और शेयर होल्डर रोए। इनरॉन जैसे कंपनी आई थी अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पावर प्लांट लगाया था, तो अरबों खरबों रुपए का यहाँ अपने के आईएफसी, कोई एचडीएफसी कोई बैंक थी, उसको चूना लगा के चले गए।
और उस पर कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो ये सब सारी शर्तें हमें इसलिए माननी पड़ती है कि हम लोग कर्ज के बोझ पे दबे हुए हैं, तो हमारा ही पैसा ये लोग यूज कर रहे हैं। तो वो कहा ना कि इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री बट इट इज वेरी पुअरली मैनेज्ड, इट कैन मैनेज बिल्कुल प्रॉपरली देन इट कैन डू वंडर्स। आज हमारे यहाँ पे क्या नहीं बात। है, देखो इसराइल जैसी छोटी सी कंट्री, पानी की कमी है ना, वो पूरे देशों में और विदेशों में उसका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है अरबों खरबों रुपए का, और हमारे इतनी सारी नदियां, इतनी सारी जमीन, तो हम हमारे जो मेन चीज, जो हमारे जो देश था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था, इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। आज इकोनॉमी हो गई है दारू बेस्ड, गाय के दूध पे इकोनॉमी चला करती थी। आज आप 1 रुपया बैंक में रखो, उसको अगर 2 रुपया करना है डबल 1 रुपए को, तो 8 साल 9 साल लग जाएंगे, जो आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 साल में 2 रुपए होंगे। और एक जमीन में एक गेहूं का दाना डाल दो, थोड़ी मिट्टी डाल दो, पानी डाल दो, तो 3 महीने में 35 40 दाने दे देगी। तो 1 के 40 हो रहे हैं यहाँ पे 3 महीने के अंदर। तो और हम वहां पे लोगों दस ने कि साल में मतलब एग्रीकल्चर, हाँ तो आप सोच लीजिए क्या क्या उसकी वो होगी। लेकिन उसके लिए वाटर मैनेजमेंट जरूरी है लोगों में एग्रीकल्चर के प्रति, तो आज की तारीख में एग्रीकल्चर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा एग्रीकल्चर के ऊपर। वैसे भारत के लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्री सबसे हो जाते हैं, कल्चर में कुछ नहीं लाते। तो ये चीजें ये कि जो चीजें सीखी जाए उसको अपने जीवन में उतारा जाए। तो इंडिया की समस्या ये है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। तो आप अरुण ऋषि को बिल्कुल मत मानो, अरुण ऋषि की मान लो तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। हाँ बोलिए जी। और बोलिए। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले भारत ऐसे था, तो अभी ये तो बहुत बदलाव हो गया, तो इसको फिर दोबारा इस तरह से करने के लिए क्या, क्योंकि तो आप उसी ने दोबारा कहा ना कि आपको गो बेस्ड इकोनॉमी, जैसे ब्राजील में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, किस पे हैं, जर्सी ब्रीड पे, हाँ एक अलग। जिसका दूध, हाँ गाय की जर्सी ब्रीड, वो दूध देने में मतलब दूध उसका जहर एक तरह का यूं मान के चला जाए। तो ब्राजील ने क्या करा कि यहां से इंडिया से आज से बरसों पहले वो गीर गाय का सांड लेके गए, और गीर गाय गुजरात से पूरे ब्राजील की इकोनॉमी दूध के ऊपर उन्होंने वो कर दी, जो A2 मिल्क आता है उसका, वो लोगों को हेल्दी भी रखता है, सारी चीजें करता है। तो वो जो ब्राजील जैसी कंट्री ये काम कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। कई लोग लगे हुए हैं इस काम पे जो कर रहे हैं, लेकिन उसको मास लेवल पे करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर से जोड़ने की जरूरत है। तो जैसे सरकार, ये तो इसमें एग्रीकल्चर में भी उसने केमिकल फार्मिंग शुरू कर दी, सरकार उसको यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड हाँ ये वो प्रोवाइड वही तो कराती चक्कर है। है ना कि भैया अगर आपका गाय का गोबर, गाय आपके यहाँ पे गाय नहीं है तो आपको यूरिया ही डालना पड़ेगा। और अगर वो जीरो बजट खेती है, बहुत सारे लोग हैं, सुभाष पालेकर जी एक हैं जो हाँ के महाराष्ट्र के अंदर कई लोग हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको रोल मॉडल बना के अपने लोगों को ट्रेन किया जाए। और ऐसे कई लोग हैं जो आउटस्टैंडिंग काम किए, तो इसीलिए हम लोगों ने हमारी किताब में भारत के नवरत्न लिए हैं आज की तारीख में, जिन्होंने ऐसे अजीबो गरीब काम किए हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं है, वो तो ये गुरु अपने। आपने बिल्कुल नहीं, मुझे याद है आज से 4 साल पहले हरिद्वार में गुरुदेव सुभाष हाँ पालेकर जी आए थे और मैंने उनकी ट्रेनिंग ली थी, तो यस ये यस यस इनको उनको पद्मश्री भी दिया गया, लेकिन सरकार तो उनकी बात न, अगर ये मास लेवल पे किया जाए सरकार लेकिन बात ही नहीं मानती, पद्मश्री पकड़ा के क्या मिलना है नहीं, वहां पे। वो क्या है सर, वो तो वो पद्मश्री देने से कोई फर्क है कि जिस, क्या होता है जिस लेवल पे ये लोग बैठे हुए हैं, ये भारत रत्न से ऊपर लोग लोग, लेकिन बिल्कुल। इनका होता क्या है, जो कमर्शियल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे आज हमारे कोई कोई कमर्शियल कंपनी ये नहीं चाहती कि ये प्रमोट हो, कारण ये तो कहता है कि भैया ये 10 ही चीजें बेकार है ना। बिल्कुल तो ताली बजाने में किसका पैसा, जैसे आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आज आप बात करो, तो दवाई की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन ताली की रिसर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। बोले ताली बजाने से क्या मिलेगा, आप तो कोई ऐसी चीज बताओ जो बेची जा सके, तो ताली तो बिक बिल्कुल नहीं सकती। अच्छा ताली और पैर के तलवे रगड़ने का साइंटिफिक लॉजिक भी है, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दिया था कि आज आप आपका ब्लड एनालिसिस करा लो, हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीजें होती है, WBC, लिम्फोसाइट, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोबुल्स, इनका काउंट ले लो। कल से ताली बजाना चालू करो इस प्लेट पे खड़े रखे, और महीने भर बाद इस काउंट को रीचेक कर लो, तो यू विल फाइंड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। और मेन चीज वो ये इम्यूनिटी, अगर पावर, अच्छा इसमें कोई खर्चा नहीं है, रामचरित तुलसीदास से बड़ा कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ,
तो तुलसीदास ने जब रामचरित मानस लिखी थी तो शुरुआत में दो लाइनें लिखी थी कि राम कथा सुंदर कर तारी, कि जो ताली बजाने से आनंद मिलता है। आप ताली कब बजाते हैं? सचिन तेंदुलकर ने छक्का लगा दिया, या किसी हीरो ने बहुत बड़ा डिशिम डिशिम कर दिया, या कोई अपने को जैसी प्रसन्नता होगी हम ताली बजाने लगेंगे। तो ये ताली बजाने से, ये राम कथा पढ़ने से आपको वो आनंद प्राप्त होगा कि आप ताली बजाने लगोगे। तो राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग बीमारियों को बोला गया है। तो वो 500 साल पहले, 800 साल पहले लिख गया था कि भैया ताली बजाने से बीमारी भाग सकती है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, उस पर रिसर्च नहीं हुई। तो वो सारा काम हम लोगों ने किया और उसको सबसे पहले तो अपने पर इम्प्लीमेंट किया और जी उसके बाद अब लोगों को सिखा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा, आप गुरुदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि 10 लोगों के नाम लिखे हैं बुक में, तो ऐसे सुभाष पालेकर जी होंगे और ऐसे और भी लोग होंगे जो वो सारे लोग हाँ हैं वो उस किताब जी में, वो किताब भी जो लोग लेना चाहें वो आपके थ्रू ले सकते हैं, आपके पास किताबें पड़ी हाँ हुई हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 गुरुदेव बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ तो ये और जैसे बोलिए। ऐसे अनेकों और अनोखो, मतलब क्या कहते हैं, बहुत अमूल्य लोग हैं, तो वो इस तरह से ना तो लाइमलाइट में, तो कैसे उन्हें इस तरह से। इसीलिए अपन ने किताब लिखी कि जो जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उनका प्रचार प्रसार तो इसके थ्रू हो जाए, और उनकी उनको एक डॉक्यूमेंटेशन कर दिया कि इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, इनका फायदा उठाया जाए लोगों तक। तो जो लोग लेकिन करेंगे सर तो वो एक होता क्या है, जो पतन का राह है वो बहुत आसान है, ऊपर से पत्थर नीचे फेंक दो, हाँ धड़ाम से नीचे आ जाएगा, और इस पत्थर को आपको ऊपर लेके जाना है ना, तो कितना मेहनत का ये काम है। बहुत तो हम उस पत्थर को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी आज की तारीख में इतना ज्यादा पंगू हो गया है कि वो कुछ करना नहीं चाहता। आप जैसे इतने प्रयास कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अच्छा इसमें एक एक कंसेप्ट और है कि कई लोग मेरे से कहते हैं कि ऋषि जी आपकी बातों से लोग सुधरेंगे, तो मैं कहता हूं भैया मेरी जो चीजें हैं वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोगों के काम की है। बोले आपने 5% कैसे निकाला? मैं भैया कौरव कितने थे? बोले 100, और पांडव कितने थे? 5। पांच तो इस ग्रुप में जो पांडव लोग होंगे उनकी चीजें तो समझ में आएंगी, और जो कौरव होंगे उनकी कोई चीजें समझ में नहीं आएगी। तो लेकिन 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी पड़ गए थे, ठीक है कि नहीं? तो हमें सिर्फ 5% लोगों की आवश्यकता है कि जो इन चीजों को सीखे, खुद करें। तो वो जो है ना रावण के सिर काट रहे, तो इस किताब का एक ने आपने नाम सुना होगा, प्रदीप चौबे जी का, जानते प्रदीप चौबे जी को? बहुत बड़े कवि है, लास्ट ईयर उनका एक्सपायर हुए हैं वो, तो एक बार ट्रेन में मेरे को मिल गए। तो किताब पढ़ ली, ले ली उन्होंने, रात भर में किताब पढ़ डाली, और सुबह उठ के मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि ऋषि जी इस किताब का फीडबैक मैं आपको दे रहा हूं कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं ये कलयुग की गीता है। तो ये क्या बात किताब है। और सीडी का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं, तो वो सारा काम है, धीरे धीरे चलेगा। तो अपन कछुए की चाल से चल रहे हैं और खरगोश से आगे निकलने की कोशिश कर रहे अच्छा, एक एक जाते जाते एक एक सवाल और, कि जैसे लोग कई बार हैं। हताश हो जाते हैं, ये काम ही ऐसा जो आपने बता दिया, मात्र 5% लोगों को समझ आएगा, और ऐसा होता भी है, क्योंकि हाँ आप पता है कि मेरी तो उम्र वैसे बहुत छोटी है, लेकिन आपको पता है कि हाँ किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पत्थर जो है नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल कमाई का बढ़िया। साधन भी, हाँ कमाई के साधन भी बिल्कुल नहीं है चाहिए ना। इसमें। हाँ नहीं है, नहीं है हाँ ना। तो वो भैया देखो क्या है कि आपको दाल रोटी भी चलानी है कि नहीं? तो मेरी दाल रोटी कहां से चलेगी? मेरी दाल रोटी 100 रुपए में से चलती है, कौन से जो मैं लेता हूं इसलिए जी। और गुरुदेव डॉक्टर, गुरुदेव डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी की जो दाल रोटी है वो कोर्स कराते हैं, हाँ कोर्स वो कराते उसमें चल जाती है। तो उसमें चल पैसे की तो जाती है। जरूरत ही ना हर आदमी को, पर ये कि डोनेशन लेते नहीं है हमारे ट्रस्ट का। ये जो हमारा ट्रस्ट है दुनिया का पहला ट्रस्ट है जो लोगों का ट्रस्ट एकत्रित करता है, धन नहीं, कारण जहां संपत्ति होगी वहां विपत्तियां चालू हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं अरे सर क्या 11,000 रुपये ले रहे हो, ज्यादा लिया करो। तो मेरे का नहीं भैया अपने तो 11 ही चाहिए, और 21 साल 20 साल से कर रहे हैं, कोई फीस बढ़ाते भी नहीं घटाते भी नहीं है, लेकिन 11,151 रुपया जो चाहिए वो चाहिए। तो वो जो दे देगा, एक आदमी बैठेगा तो 11,000, आप अगर सीखना अकेले चाहो तो 11,151 रुपये आप दे देना तो आपको सिखा दूंगा।
है ना, और 100 लोगों को बिठाओगे तो 110 रुपया, 1,000 को बिठाओगे तो 11 रुपया। मतलब आप डिवाइड हो देखो जाएगा। कितने लोग जोड़ पाते हैं, बस वो फिगर वो 11,151 के आ जाना चाहिए। हाँ, ये तो आपने सारे ही बातें बहुत अच्छे कही हैं, और मैं आशा करूंगा सब लोग इस बात को सुने, समझें और ट्रेनिंग लें गुरु जी की। और जिस तरह से हमारा ये मोटिव है कि कैसे बने हाँ मेरा भारत महान, बिल्कुल, और ये जो कर्ज मुक्त वाली बात है, क्योंकि लोगों को ना सही पल्ले बात नहीं पड़ती गुरु जी, हम जो समझा रहे है। हैं कि हाँ गुलाम बने हुए थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, वो लोगों को पल्ले हाँ नहीं हाँ पड़ती हाँ जी, उन्हें लगता है नहीं, वही कहा ऐसा ना तो कि है सर ही। हर आदमी चक्कर क्या है कि वो तो सुबह उठा, उसने वो टूथब्रश टूथपेस्ट उठाया, दिन भर प्लास्टिक को गालियां देगा, और सुबह उठ के प्लास्टिक का ब्रश और मुंह मुंह में रखेगा, प्लास्टिक की बाल्टी में नहाएगा। सब करता रहेगा। तो वो कहाँ फुर्सत है अपने पास, वो पैसे कमाने में इतना लगा हुआ है, वो पैसे ही नहीं के लिए कमा रहा है, किनके लिए, इधर ब्राह्मणों प्रोडक्ट के लिए वालों बिल्कुल। के लिए, रावणों के लिए। मेरे को मेरे 21 साल से फीस बढ़ाता नहीं, बोले क्यों नहीं बढ़ाते, बोले मेरे मेरे महंगाई का है मेरे लिए। तो किताब पे हमारा वो है कि इसकी या कोर्स डिस्कोर्स का फायदा क्या होगा कि दूर होगी महंगाई की मार, है ना, बाजार में महंगाई 10 ही चीज की, जाएगी सारी बीमारियां हार, रोज ताली बजाओगे तो बीमारियां हार जाएगी, पति पत्नी में बढ़ेगा प्यार, और सास बहू में कभी नहीं होगी तकरार, और बदल जाएगा घर स्वर्ग में, और आएगी खुशियों की बहार, है ना, और ऐसे ये बनेगा तो मेरा क्या भारत महान। हाँ बात है, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अभी पिछले 5-6 दिन से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और लोग मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार इस तरह से पूछने के लिए, तो हम बताते हैं उसमें ट्रीटमेंट। तो जैसे ताली के बारे में तो आपने सब समझाया, और इस बहुत सारी चीजों के बारे में कि इस तरह से हम करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन सपोज मरीज जो है, मरीज के दिमाग में बैठा रहता है कि हम बीमार हैं, हाँ मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर से कोई ऐसी दवा दे देगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ठीक सपोज है, कोई मरीज मरीज हो, और मरीज आपसे कहे कि सर मेरा तो ये पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे तो ये डायबिटीज है, या मुझे तो ऐसा है जी, तो तुरंत के ठीक मिले है। तो कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए तो समय तो लगता ही है ना। नहीं, उसके लिए तो दो दो चीजें हैं, एक तो पानी पीना और लंघन करना, पेट क्यों दुख रहा है हाँ कि जो तूने खाना खाया वो पचाया नहीं तूने, है कि नहीं। अब वो बिल्कुल। अच्छा, लोग हमारे डॉक्टर लोग कहते भूखे मत रहना, है ना, तो भूखा हो रहेगा तो हमारे यहाँ आगे लंघन प्रमोशन, हम फास्टिंग इज द बिल्कुल। बेस्ट मेडिसिन, तो आप हफ्ते में एक बार फास्ट करो, बस ऐसे उपवास मत करो जैसे आज करते हो कि साबूदाने की खिचड़ी भी खा ली, दाने का लड्डू भी गटक लिया, फलों का जूस भी पी लिया, है ना, और केदिया की उपवास कर लिया, तो ये उपवास नहीं हुए, बकवास हुई है। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ये अपने को ताली रोज बजानी है, तो रोज ताली बजाओगे तो न तो पेट दुखेगा न सिर दुखेगा, ताली हाँ, आपको और बजानी हफ्ते है। ये में मार्केट में पेथियां चल रही हैं, जी एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी पैथी, पेथी मतलब पे, मतलब पे पैसा दो फिर ठीक करवाओ। जी डॉक्टर लोग तुम्हारे आपके यहाँ पे आके फ्री में इंटरव्यू दे देंगे, या फ्री में आपकी क्लास ले लेंगे, तो वो पोस्ट पेड है और मेरा बिल्कुल प्री पेड है। मेरे को पहले 100 रुपए देना पड़ेंगे तब मैं सिखाऊंगा, और वो आपको फ्री में सिखाएगा, और बाद को फिर दवा होगा इसमें आपका पैसा लेता रहेगा, तो ये वाली चीज है, तो वो जिसको जो सीखना हो वो सीखे। चलिए क्या बात है, क्या बात है। ये तो चलिए, आप हंसा हंसा के भी पेट में दर्द कर देते हैं, हम तो आपसे नहीं, काफी लाफ्टर दूर। इज द बेस्ट मेडिसिन, पर जी नेचुरल लाफ्टर होना चाहिए, ये नहीं कि रोज वो आपने देखा होगा गार्डन में हा करके लोग हंसना चालू कर देते हैं, तो वो जो रावण है वो रावण जी वो राक्षसी हंसी है, तो हाँ उसकी जी भोगवादी और तांत्रिक मनोवृत्तियां बढ़ जाती है, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है उसमें, है कि नहीं। तो राम मुस्कुराता था, कृष्ण मेयर स्माइलिंग, तो मैं आपको रावण नहीं बनाना चाह रहा, मैं आपको राम बनाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कृष्ण बनाना चाह रहा हूँ, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, ठीक है ना। लाउड लाफिंग हमारे यहाँ पे अभद्र मानी गई है, तो वो सारी जी चीजें हैं। तो अब आप देखो कब गुरु दक्षिणा देते हो हाँ और बिल्कुल कब कार्यक्रम कराते हो। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बहुत, हाँ, आप 1 घंटा हो गया देखो करते करते, पता ही एक नहीं घंटा हो चला गया, देखो बातें देखो करते। बातें बातों में पता ही नहीं चला, तो इसको करो और इसकी रिकॉर्डिंग भेजो मेरे को, जी गुरु जी हाँ, तो अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको, चरण स्पर्श गुरु और जी। नंबर और वेबसाइट दोनों डाल देना उसमें। हाँ, मैं नंबर और वेबसाइट डाल दूंगा जी, बिल्कुल गुरु जी हाँ, बिल्कुल। दुकान क्या है कि मेरे को रोज 5 घर पे भिक्षांदेही करना पड़ती है कि भैया
₹11,000 तो ब्राह्मण को लक्ष्मी ना बड़े मुश्किल से मिलती है, लेकिन वो मेहनत का जी पैसा है, अकर्म की लक्ष्मी नहीं है। कर्म की लक्ष्मी 2 घंटे मेहनत करूंगा आपके लिए, ठीक है नहीं? और वो ऐसी चीजें और बताएंगे जो जीव निवान ना हाँ, पड़े। जिसमें खर्चा कुछ नहीं, हिंग लगे ने फिटकड़ी और रंग आएगा चोखा, है ना, हाँ, और जिसको और मैं जीवन 40 साल से भर, वापर रहा हूँ। हाँ, कहीं हाँ, बाजार से खरीद और के लाए, घर के घर में सारी चीजें मिल जाएगी। जीवन भर आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, स्वर्गी दवाई नहीं खाएगा, स्वर्गी कर देंगे, ऑपरेशन। आपको स्वर्गी बना देंगे। क्या बात है जी, क्या बात है गुरु जी, चलिए चलिए, थैंक ये यू, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत दर प्रणाम आपका। धन्यवाद प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम चलिए, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना प्रभु। जी गुरु जी। हाँ जी, पक्का चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। जी।